तो हेलो एवरीबॉडी, दिस इज बॉगर शर्मा एंड आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ हेयर केयर के बारे में। देखो यार, मैंने कल रात को ही मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली थी कि अगली यूट्यूब वीडियो का टॉपिक तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हें से काफ़ी ज़्यादा लोगों ने हेयर केयर के बारे में बोला था, तो आ चुके वो वीडियो जिसमें मैं तुम्हें बताने वाला हूँ क्विक हेयर केयर टिप्स इन हिंदी। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो विदाउट एनी फर्दर यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। पहली टिप जो मैं तुम्हें देना चाहूँगा ना, वो ये है कि यार तुम्हारी डाइट के बारे में, डाइट तुम्हें कैसे लेनी। देखो यार, मैंने जैसे स्किन केयर वाली वीडियो में मैंने बताया था कि तुम्हारी स्किन की क्वालिटी डाइट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, वैसे तुम्हारी हेयर की क्वालिटी भी तुम्हारी डाइट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। तो ऐसी कौन सी डाइट है जो तुम्हारे हेयर को सबसे ज़्यादा नरिशमेंट देगी, सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन देगी, सबसे ज़्यादा बेनिफिट पहुँचाएगी? वो है प्रोटीन रिच डाइट। हाँ, अपने बालों के लिए तुम्हें है ना डाइट में प्रोटीन ऐड करना पड़ेगा। प्रोटीन तुम्हें किससे मिल सकता है? फिश, टोफू, पनीर, ऑर्गन्स हो गए, पल्सेस, दालें, और मैंने डिस्क्रिप्शन में काफ़ी सारे फूड आइटम्स लिख रखे हैं जिससे तुम्हें काफ़ी अच्छा प्रोटीन मिल सकता है अपने बालों के लिए, वो खाना। ये तो अपनी पहले टिप। बढ़ते हैं दूसरी टिप की तरफ। टिप यार बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, बस तुम्हें हफ्ते में 2 बार टाइम निकालना है कहीं के अपने हेयर में मसाज, हेयर नहीं, अपनी सर में मसाज करने के लिए। इससे हुआ क्या यार, तुम्हारी जो हाँ स्कैल में तुम मसाज करोगे अपनी उंगलियों से तेल लेके, एक तो तुम्हारे बालों में न्यूट्रिशन पहुँचाएगा तुम्हारे तेल के द्वारा, और दूसरा तुम्हारी ना स्कैल्प में ना ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसके कारण तुम्हारे ब्लड से है ना न्यूट्रिशन पहुँचेंगे तुम्हारी स्कैल्प तक, जो कि तुम्हारे बालों की ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा है ना मेरे भाई। तो हफ्ते में 2 बार टाइम निकालो अपने बालों को मसाज करने के लिए, तो उसे 3 बार कर सकते हो अगर तुम ज़्यादा ही फालतू, लेकिन मैं यूजली 2 बार करता हूँ। तो बढ़ते अपनी तीसरी टिप की तरफ। तीसरी टिप भी है ना हेयर ऑयल वाली टिप की तरह ही है, पर इसमें तुम्हें अपने बालों में हेयर ऑयल नहीं करना, हेयर शैम्पू एंड कंडीशनर करना है। तुम समझ ही गए होंगे, हफ्ते में 2 बार अगर तुम हेयर ऑयल से मसाज करो अपने बालों में, तो तुम्हें 2 बार ही अपने बालों में शैम्पू करना पड़ेगा। 2 बार से ज़्यादा भी कर सकते, लेकिन 2 से 3 बार ही करना, उससे ज़्यादा मत करना। और हमेशा शैम्पू करने के बाद कंडीशनर ज़रूर लगाने, क्योंकि कंडीशनर तुम्हारे बालों में वो मॉइस्चर लॉक कर देगा जो कि तुम्हारे शैम्पू करने से तुम्हारे बालों से निकल चुका है, ये याद रखो। बढ़ते अपनी चौथी टिप की तरफ। एक टिप नहीं है, ये है मिफ्टी के, जो कि काफ़ी डॉन्डे करते हैं, टाइम ही करता था पहले। तो क्या हम उसके अलावा हमारे पास टाइम नहीं होता अपने बालों को स्टाइल करने के लिए, और हम अपने गीले बालों को स्टाइल कर लेते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती है। क्यों? क्योंकि यार जब तुम्हारे अपने बाल गीले बालों को स्टाइल करते हो ना, तुम्हारे बाल थोड़े से कमज़ोर होते हो उस समय, और वो आसानी से टूट सकते हैं। और अगर तुम उसको रोज करोगे ना अपने गीले बालों को स्टाइल, तो तुम्हारे बाल थिन भी हो सकते हैं, और थिन होने के लिए ना तुम्हारे बाल तो आराम से वो है ना टूट सकते हैं, हेयर फॉल होने के भी चांसेस हैं, ये याद रखो। और है ना, तुम अपने बालों को जब भी गीला करो ना, या तो उसके बाद उसको ड्राई करो, या फिर उसको एयर ड्राई करो, या फिर तुम ब्लो ड्राई भी कर सकते हो, लेकिन ब्लो ड्राई को याद रखना कि उसको हमेशा कोल्ड सेटिंग्स पे ही रखना, है ना। ज़्यादा हीट भी बालों के लिए ना बुरी होती है, क्योंकि यार जो जितनी ज़्यादा तुम्हारे बालों में हीट जाएगी ना, उतनी ज़्यादा तुम्हारे बालों से वो मॉइस्चराइजर निकलेगा, जो मॉइस्चराइज होता है तुम्हारे बाल है ना, वो सब निकलेगा, ऑयल्स निकलेंगे, जो कि जिससे तुम्हारे बाल ड्राई हो जाएंगे वो थिन भी हो सकते हैं, वो याद रखो। तो बढ़ते अपनी पांचवी टिप की तरफ। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है इसके अंदर, लिटरली कुछ नहीं करना, लीव देम अलोन। यार बालों को ना ब्लीच करने का मतलब ज़्यादा हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स लगाना, ज़्यादा हेयर केयर प्रोडक्ट्स लगाना, या ऐसी बालों में ज़्यादा प्रोडक्ट्स लगाना बेसिकली तुम्हारे बालों को है ना ख़राब कर सकता है। मैंने बोला ना, अगर तुम हेयर केयर प्रोडक्ट्स लगा रहे हो, तेल लगा रहे हो, तो हफ्ते में 2 या 3 बार से ज़्यादा मत करो। शैम्पू करो तो भी 2 से 3 बार से ज़्यादा मत करो, 3 बार से ज़्यादा बिल्कुल मत करना, 2 से 3 बार मैक्स, मैक्स नहीं, मोर देन इनफ है, ठीक है, याद रखो। और भाई स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स की तरफ, स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स तुम हफ्ते में 1 या 2 बार लगा सकते हो, उससे ज़्यादा मत करो, क्या हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स चांसेस है कि तुम्हारे बाल खराब कर देगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बिल्कुल अवॉइड करो, नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि यार उनको थोड़ा सा कम इस्तेमाल करो। लीव योर हेयर्स अलोन, वो अपने आप हेयर तुम्हारे रिपेयर होने की रखती कैपेसिटी इतनी, उसको अकेला छोड़ दो, याद रखो। तो यही क्या चाहिए, वीडियो पसंद आई थी यार, वीडियो को ज़रूर से लाइक करना, और इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। रही बात लाइक एम की, तो यार एम तो इस वीडियो में मैं रखता हूँ 10 लैक्स का, इस वीडियो में 10 लैक्स तुम्हें ज़रूर कराने हैं। तो थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग, बाय। एक मिनट, बाय करने से पहले सब्सक्राइब जाके कर लो, पहले जाके सब्सक्राइब करो इस चैनल को,